अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है पब्लिक। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा संडे का दिन था, तो हमारा खेलने का मूड हो चुका था। तो हमारे जो छोटे दोस्त हैं उन्होंने भी एक टीम से मैच रख लिया था, जो कि सुल्तान मोरी से आ रहे थे। तो हमारे पास टीम की भी कमी थी, क्योंकि मुझे शाम को जाना होता था नवाबशाह। तो उसने बोला कि आज आप खेल के फिर जाना, तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, आज खेल ही लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम मुझे थोड़ी लेट हो गई थी ऑलरेडी, वो टीम जो ना हमारा क्रिकेट मैच वगैरह स्टार्ट हो चुका था, तो मैं भी जल्दी जल्दी से वहाँ पे पहुँचने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी टीम जो यहाँ पे मैच वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे खेल रहे हैं। शायद 1-2-3 आवर मेरे से पहले भी चल चुके हैं, लेकिन हम भी फिर भी टीम का हिस्सा हैं तो चल के खेलते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से चलेंगे, उसके बाद वो हमारा ग्राउंड होगा। तो यहाँ पे कुछ देर बाद हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी टीम जो है वो खेल रही है। यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है विलेज वाला, जो कि पोलो सुपर ग्राउंड जो है ना के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये हमारा जो है ना टीम यहाँ पे बैठी है, और ये हमारा बैट्समैन जो कैप्टन हैं वो खेल रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉट भी मारे इन्होंने। तो ये सब कुछ खेल रहे थे, अभी ये ओपनर गए थे शायद। तो यहाँ पे हमारे जो ये सिंगल डबल आउट से भी बच गया हमारा दोस्त। तो यहाँ पे ये खेलने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप भी शायद क्रिकेट वगैरह तो वैसे खेली होगी आपने, तो यहाँ पे ये भी सब कुछ स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो ना 8 ओवर का जो ना मैच था, तो पहले उन्होंने बॉलिंग की है, तो यहाँ पे बॉलिंग बैटिंग आप भी देख लें। तो यहाँ पे क्रिकेट खेलते वक्त काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी हम यहाँ पे खेल रहे थे, तो इसने मेरे दोस्त ने बहुत ही अच्छे शॉट मारी है, तो यहाँ पे एक सिंगल का ही मिलेगा, और यहाँ पे ओवर शायद समाप्त हुआ। तो जैसे कि ओवर पूरे हो जाते हैं तो ये वापस आने लगते हैं, तो हमने बोला अभी ओवर है। तो यहाँ पे दूसरा मेरा भाई खेल रहा था, तो काफ़ी बॉल मिस वगैरह भी हो रही थी, थोड़ी बहुत शॉट्स भी लग रही थी। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे चौका गया, चौका बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हमारे स्कोर के जो है ना काफ़ी अच्छा चल रहा था। यहाँ पे मैं शॉट्स जो है वो किसी और को दी थी मोबाइल, तो वो रिकॉर्ड कर रहा था। तो यहाँ पे मैं भी खेल रहा था थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे बॉल मिस भी होते हैं, छक्के भी लगते हैं, वो सब कुछ होते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोस्त भी खेल रहे हैं, यहाँ पे सिंगल ली थी हमने, वो डबल का ट्राई किया बट उसके हाथ में आ गई थी बॉल, तो मैंने सोचा अभी नहीं खेलते, स्टॉप कर लो। देन ये इसने वाइड दे दिया। अब यार मैंने बोला कि अब भाई बॉल तो सीधा दे, हम खेलें तो कहाँ खेलें, वाइड पीछे से चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये चौका मारा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था। हमने खेल खेल के ऑलमोस्ट जो है ना स्कोर काफ़ी अच्छा बना लिया था, और फाइनल रिजल्ट्स आने वाले थे। तो यहाँ पे हमने ये भी खेला, तो मतलब ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी बॉल भी जो ना ये वाइड वगैरह दे रहे थे, जिसकी वजह से ये कुछ मिस भी हो रहे थे। दोबारा बॉल जो भी आ रहे थे वो काफ़ी सारे मिसिंग में आ रहे हैं, तो शॉट्स जो ना खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने ट्राई किया। देन यहाँ पे हमारे दोस्त ये उल्टी फुल्टी शॉटें मारते हैं बहुत ही कमाल की। तो ये शॉट्स खेलने के बाद हमारा जो ये वो आवर समाप्त हुए, तो हमने टारगेट दिया है ऑलमोस्ट 134 का, जो कि इनको जो ना टारगेट चेज करना है 8 ओवर में। अब देखते हैं क्या ये कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम फील्डिंग पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बाउंड्री है ये हमारी, यहाँ पे हम खड़े होंगे, ये हमारे दोस्त है, ये सारे यहाँ पे हम खड़े होंगे। तो गर्मी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन शाम का टाइम है, तो हम ये मैच खेल के उसके बाद ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो ना मैंने एम्पायर को मोबाइल दे दी कि आप जो ना शॉट्स रिकॉर्ड करो, तो उसने जस्ट शॉट्स ही रिकॉर्ड किए हैं, सिंगल डबल वगैरह। तो यहाँ पे खेल रहे थे, इनकी भी ओपनिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं बॉलिंग वगैरह में जो ना इनको मार देते हैं। तो यहाँ पे ये वाइड वगैरह भी थोड़े बहुत जो है ना यहाँ से जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे बॉल बहुत ही तेज़ जाती है, यहाँ पे जैसे ही लगती है तो थोड़े खड्डे वगैरह काफ़ी होते हैं, तो वहाँ से बॉल जल्दी चली जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड वैसे बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी हम खेलते हैं, ईद के दिन तो बहुत ही बड़े टूर्नामेंट्स भी होते हैं, और काफ़ी काफ़ी यहाँ पे जो है ना अलग अलग तरह की टीम्स आती हैं, कहीं नवाबशाह से आती हैं, कहीं कहाँ से, तो यहाँ पे वो सारे हम टूर्नामेंट खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉलिंग चला रहा था, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड बॉलिंग स्विंग में चलाता हूँ, तो ये जो ना इनको समझ में नहीं आ रही थी काफ़ी, जो ना मैंने ओवर जल्दी से बचा लिया। तो यहाँ पे मैं ट्राई जो भी कर रहा था, तो वो इजीली मेरे हाथ में ही आ जा रहा था, और मेरा ओवर कैसे ही ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ जो है ना कीपर की मिस्टेक की वजह से बॉल पीछे भी जा रहे थे,
तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि इनको जितना हो सके उतना रोक लें। तो यहाँ पे इसने शॉट मारी, लेकिन हमारे सीधा फील्डर के हाथ में, तो एक रन्स इन्होंने ले लिया। तो यहाँ पे हम बाकी भी ट्राई करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रन्स बना लें, रन्स इनसे बचा लें बनाने को। तो ये बनाएंगे तो हम हार जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें रन्स बचाने थे। तो यहाँ पे मेरा भाई फास्ट बॉलिंग चला रहा था, तो फास्ट में छक्के लगाना भी आसान होता है और खेलना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आउट हो गया था ये। देन यहाँ पे बॉलिंग में ये काफ़ी शॉट्स लगे, तो वो शॉट्स तो लगते रहते हैं क्योंकि हमने भी टारगेट दिया है, तो ये भी टारगेट जरूर चेज करने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने ये हमारे तरफ कैच आया, लेकिन बहुत ही पीछे चला गया। तो हमने ट्राई किया, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए। तो यहाँ पे हमने दिया, मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था और ये बहुत ही बड़ी शॉट इसने लगा दी, तो 6 रन्स के लिए गए। काफ़ी मतलब यहाँ पे शॉट्स वगैरह भी लग रही थी। तो यहाँ पे हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, तो ये शॉट तो इसने लेफ्ट ही घुमा लिया ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पे ये छुटकू हमारा दोस्त है, यानी इसका नाम माजिद है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग चला रहता है। तो यहाँ पे इसकी भी स्विंग है, तो यहाँ पे हम बोल रहे थे भाई इधर चला, इसने सीधा विकेट पे दिया, तो काफ़ी शॉट लग गई। तो हमने बोला थोड़ा आगे, देन आगे डाली, तो हमारे कहने पर ये अच्छी बॉलिंग कर लिया। वैसे इसका बहुत ही बॉलिंग एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ पे हम जैसे आगे भागे, तो हमने बॉल पकड़ लिया, चाहे कोई रन्स वगैरह ना ले ले। तो वैसे भी आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो आप कमेंट वगैरह में भी बताइए कि आपको ये व्लॉग्स कैसे लगते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेटेड मिले, ताकि मैं आपके लिए ऐसे व्लॉग्स और बनाऊँ। वरना यार दिल नहीं करता ऐसे व्लॉग्स बनाने का, अगर इस पर व्यूज़ भी आए फिर भी लोग जो है ना रिएक्शन ना दें। तो यहाँ पे हमारी ये शॉट ऊपर चाहिए थी और कैच जो है ना यहाँ पे लेना था, लेकिन इन्होंने मिस कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही आवर आता है दूसरा माजिद का, तो यहाँ पे फिर से जो है ना यहाँ पे फील्डर के पास गई, लेकिन बॉल उसके ऊपर से गुजर गई। तो यहाँ पे मैं कीपर खड़ा था, तो बॉलिंग अब दूसरा चला रहा था। तो यहाँ पे आया जैसे ही, तो ये भी शॉट जो है ना ऊपर गई और फाइनल ये भी कैच आउट हो गया। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे आउट भी इनके कर लिए थे और ये भी फाइनल आया हमारे पास बॉल। तो यहाँ पे एक कैमरा मैन ने थोड़े जल्दी कट्स लगा दिए यार, इसको समझाया भी था, लेकिन क्या करें, जब मैं खेल रहा था तो मोबाइल जो ने किसी और को दे दी। तो यहाँ पे इन्होंने भी अच्छा खासा रन्स बना लिया था, अब काफ़ी ओवर में मतलब तकरीबन चाहिए थे इनको 50 से करीब, 3-4 ओवर में। तो यहाँ पे हमारे दोस्त ने भी कुछ रन्स दे दिए इनको, और ये बहुत ही बड़ा छक्का इसने लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे छक्का लगाना भी मतलब आसान होता है अगर कोई खेलने वाला हो दो। तो यहाँ पे इन्होंने भी जो ना छक्का था, लेकिन पीछे गिर गया, इतना ऊपर था मुझे लगा कि छक्का है, लेकिन छक्का नहीं हुआ। लेकिन यह तो सीधी शॉट ऊपर गई थी, तो आई थिंक छक्का हो गया। तो उसके बाद अब मैं बॉलिंग पे आया, तो ओवर लास्ट ओवर में चाहिए थे हमें ऑलमोस्ट इनको 24 रन्स। तो अब मेरे ओवर में 24 निकालना तो इम्पॉसिबल है, तो इसने मारा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 4 हुआ एक ही। तो दूसरा बॉल मैंने मिस किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा बॉल मैं चलाता हूँ, तो तीसरा बॉल भी इससे मिस हो जाता है, पता ही नहीं चलता इसको कि बॉल कहाँ से जा रही है। देन चौथा बॉल फेंका, वो भी मिस हुआ। और पांचवा बॉल तो मैंने चलाया, तो यहाँ पे इसने टच किया, लेकिन ये भी आउट हो जाता है। तो नीचे फील्डर मौजूद था और भाग के फाइनल इसने कैच पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पे कैच पकड़ने के बाद लास्ट बॉल थी हमारी, तो इस लास्ट बॉल यहाँ पे गिर गई और फाइनली हमने ये मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया। तो यहाँ पे हमने बहुत ही सेलिब्रेट किया। तो ये हमारे दोस्त हैं, तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग चलाई, और बाकी सारे यहाँ पे हमारे दोस्त हैं। तो ये टीम आई थी सुल्तान मोरी से, जिनसे हमने आज मैच खेला। तो मैच खेल के हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हमने जो ना इसी टीम से बहुत ही पंगे में मैच खेला। लेकिन यहाँ पे ये सब फ्रेंडली फ्रेंडली माहौल था, तो यहाँ पे हमने कोई मतलब ज़्यादा झगड़े वाला नहीं, लेकिन प्रैक्टिस मैच था। तो आइंदा से हमारे ये सारे दोस्त हमारे साथ खेलेंगे। और मुझे भी काफ़ी लेट हो रही थी, तो इस क्योंकि मैं शाम को जो है ना नवाबशाह जाता हूँ वहाँ पे, उसके बाद वहाँ से जो है ना स्कूल वगैरह पढ़ाता हूँ सुबह, तो सवेल सवेल जाना पड़ता है। तो ये थी हमारी सारी टीम है ये, जो कि अब डिस्कशन कर रही है कि हम नेक्स्ट मैच खेलें या नहीं। तो नेक्स्ट मैच भी हमने खेला, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि यार मोबाइल की बैटरी भी लो हो चुकी थी और मैं थक भी गया था काफ़ी मैच खेल के। और जिसको रिकॉर्ड करने के लिए बोलो तो वो भी बोल रहा था कि नहीं। तो इसलिए आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच।